गाड़ी में इस ट्रॉली को अटैच किया जाएगा और तब जाके ये जुगाड़ गाड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। छोटे पतले रोड हो तो उस पे आप इसको लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे एवरेज भी आपको सही मिलेगा। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा था कि 40,000 में आपने कहा कि इसको तैयार करके आप लोगों तक तो पहुँचा देंगे, लेकिन बाइक जो है वो कस्टमर का होगा, लेकिन अगर बाइक अगर आपको देना होगा तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? मजबूती के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जो आप जुगाड़ गाड़ी बनाते हैं उसका मजबूती कितना होता है, क्या बताइएगा? कहीं से भी पूरे भारत में अगर कहीं से भी किसी को अगर ज़रूरत है जुगाड़ गाड़ी की या फिर कार्ट की, तो यहाँ से आप आराम से मंगा सकते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि बिहार एक जुगाड़ू राज्य है, जब आप रास्तों पे चलते होंगे तो बहुत बड़ी आपको दिखाई देता होगा कि कैसे बाइक पर ट्रॉली ऐड हो जाता है, कैसे बाइक पर ठेला लगा दिया जाता है, कैसे साइकिल में ठेला लगाकर और रोड पर आप चलते हुए देखते होंगे जिस पर बहुत सारे सामान रखे हुए आपको दिखाई देते हैं। आज मैं जिस जगह पे हूँ आपको मैं कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ जिससे आपको लगेगा कि वाकई में जुगाड़ हो तो ऐसा हो। आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरे पास में ये जुगाड़ गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो TVS का ये एक बाइक है और बाइक को ऐसा लग रहा है इस तरफ से कि आधा काट दिया गया है और उसके बाद का जो पार्ट है वो एक ट्रॉली है यहाँ पर। जी हाँ, बाइक के साथ ट्रॉली को ऐड किया गया है जिस पर आप बहुत सारे सामान को ढो सकते हैं, सब्जियों को ढो सकते हैं, बोझा ढो सकते हैं या फिर छोटा मोटा ट्रैक्टर का काम कर सकता है। छोटे पतले रोड हो तो उसमें आप इसको लेकर जा सकते हैं, जहाँ पे एवरेज भी आपको सही मिलेगा और आपके पैसे की बचत भी बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगे में भी लिख दिया गया है जुगाड़ गाड़ी और वाकई में ये एक जुगाड़ गाड़ी है। और इस तरफ आपको देखेंगे तो सपोर्ट के लिए ये सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है और उसके पीछे में एक ट्रॉली को ऐड किया गया है। इतने से आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज बात करने वाली हूँ जुगाड़ गाड़ी के बारे में, जहाँ पर सैकड़ों तरीके की जुगाड़ गाड़ियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। इसमें फूड कार्ट भी हो सकता है, इसमें मेकअप के सामान को बेचने के लिए जो गांव में इस्तेमाल किया जाता है वो गाड़ी हो सकती है, इसके साथ में बोझा ढोने के लिए जो गाड़ियाँ हैं वो हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको जुगाड़ गाड़ी चाहिए तो आप कहाँ से खरीदेंगे, कैसे कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने बजट में आपको ये जुगाड़ गाड़ी जो है वो जाएगी, क्या ये जो बाइक आप आधा कटा छटा देख रहे हैं क्या ये आपको देना पड़ेगा या फिर जहां से आप ये जुगाड़ गाड़ी खरीद रहे हैं वहां से आपको ये जो बाइक का आधा हिस्सा है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इन सारी डिटेल्स को मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ फतुहा में, जहां पर GKV करके एक शॉप आपको मिल जाएगा जहां पर जुगाड़ गाड़ी जो है वो बनाई जाती है। तो जिस GKV यानी गोलू कुमार विश्वकर्मा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हम अभी हैं, उनके जो गोलू जी हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। अपने बारे में ज़रा बताइए कि आपने जो जुगाड़ ये टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया है, क्या आप एक इंजीनियर हैं या फिर क्या हैं? ऐसे तो इंजीनियर नहीं है, मगर हम लोग काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं काफ़ी समय से, मान के चलिए बहुत छोटा उम्र से काम कर रहे थे इसका, इसलिए अनुभव ऐसा हो गया है कि मतलब कि समझे कि इंजीनियरिंग का भी काम कर रहे हैं। मैंने तो अपने तरीके से बता दिया कि जुगाड़ गाड़ी जो है वो क्या है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आपको बताना हो कि जुगाड़ गाड़ी है क्या तो क्या बताइएगा? जुगाड़ गाड़ी एक ऐसा गाड़ी है जो कि जुगाड़ मतलब कि बहुत सारा गाड़ी को मिलाकर जुगाड़ कर इसका पार्ट्स को जुगाड़ कर इसका निर्माण किया गया है, इसलिए इसका नाम जुगाड़ गाड़ी हुआ। ना जाने टायर किसी चीज़ का है, नट बोल्ट और किसी का है, स्टड किसी और चीज़ का है, अलग अलग चीज़ों को मिला के और इसका तैयार मतलब इसको तैयार कर दिया गया है, मिला कर तैयार किया गया है, इसीलिए समझिए कि इसको जुगाड़ कहा जाता है। गुरु जी ये बताइए कि ये जो जुगाड़ गाड़ी मेरे सामने दिखाई दे रहा है ये किस किस काम में लोगों के आ सकता है? जैसे कि किसानी लोग जो होते हैं तो इसको खरपतवार में, खाद लाने में या अनाज उनाज जो दौनी होता है, पिटैया होता है, उसको लाने में, खेत खलिहान से इसको यूज करते हैं लाने में, तो ये सब किसानी तौर के हो गया। और कुछ गरीब तबके के जो लोग होते हैं जैसे कि कमाने के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता से घूमते रहते हैं, तो ऐसा है कि उनके पास छुट्टी है कि जो कि कुछ कम लागत में अपना एक बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, जैसे कि मार्केट में एक बोरा बकुई इधर से उधर करके 150-500 करके से कमा लेते हैं मार्केट में। लागत के बारे में आपने कहा तो मैं जान ही जाऊँ कि इसका लागत क्या पड़ जाता है अगर जुगाड़ गाड़ी कोई आपसे खरीदने आता है तो। और लागत का जहाँ तक बात रहा कि इसमें तो हमारे पास 30,000 से स्टार्ट है और जो जैसा बनवाता है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 1,50,000,
हम तो सेटअप बना कर दे देते हैं, जैसे कि फास्ट फूड इस पे हो जाता है, मतलब इसी जुगाड़ गाड़ी पे फास्ट फूड भी मतलब लोग बेच सकते हैं। हाँ बेच सकते हैं, जैसे कि कभी देखते होंगे कि मेला होता है या कोई पर्व होता है तो स्टॉल टाइप का लगता है जो चाट चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा बिकता है, तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि सेटअप तैयार कर देते हैं। इसमें गैस चूल्हा, ओवन और बर्गर आप ही सेट कर देते हैं, जो भी चूल्हा वगैरह है या फिर उनको कहीं और कराना पड़ता है? टोटल सेटअप ए से जेड तक हम इसमें करके कंप्लीट देते हैं अपने कस्टमर को। ना बात ही चूल्हा देना होता है, ना पिज्ज़ा मशीन देना होता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रिज व्रिज होता है जो हम सब सेट करके देते हैं, पानी टैंक सेट करके देते हैं, कल उल होता है, लाइटिंग होता है, हर एक चीज़ हम वो तैयार करके। इसका जो डिमांड हुआ, जिस तरीके से डिमांड हुआ, आप वैसा तैयार करके दे देते हैं। तो 30,000 जो है वो सबसे कम लागत वाली जो जुगाड़ गाड़ी है वो 30,000 में तैयार हो जाती है। मिनिमम 30,000 से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ। इस हीरो होंडा का जो बाइक को आपने जुगाड़ गाड़ी बनाया, इसके बारे में ज़रा बताइए हमें। वो ऐसे क्या होता है, कस्टमर ये हीरो होंडा गाड़ी जो है मोटरसाइकिल बाइक वो देते हैं, उसे जो देते हैं उसके बाद जो हमारा जो चार्ज होता है बनाने का, ऐसे इस गाड़ी का चार्ज 40,000 है। 40,000 है मतलब इसका, इस ट्रॉली का। और बाकी जिन्होंने दिया है वो गाड़ी खुद से दिया है ना? साइकिल कस्टमर का होता है हमारा, और कस्टमर गाड़ी ला के देते हैं, उसके बाद आधा पार्ट्स इसको खोल के हटा देते हैं, पीछे का जो सीट होता है, चक्का होता है, पॉपुलर शाफ्ट होता है, सब काट के। मेन जुगाड़ यही है ना कि आधा जो उड़ा दिया गया है यहाँ से, मेन जुगाड़ यही है कि आधे के बाद जो ट्रॉली है उसको ऐड कर दिया गया है। जी बताइए। उसके बाद यही सब होता है, आधा काट कर हटा देते हैं, आज ट्रॉली बनाकर रखें और उसके बाद सेट कर देते हैं। जैसे कि आधा काटे, यहाँ सेट कर दिए। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या होता है सेट करने का, हम लोग डबल चैन का कनेक्शन देते हैं। और ऐसे जनरली से जैसे हम सेट करते हैं, हम भी देखते हैं और सबको बनाते हुए, ऐसे सेट नहीं करता है हमारा है, जो कि सेट उट हम लोग ऐसे करते हैं। आप दावा करते हैं कि आपके पास सबसे बेस्ट जुगाड़ गाड़ी बनाया जाता है, ऐसा तो हमारे समझ से है। अभी आपने कुछ डबल चेन के बारे में बताया, उसके बारे में तो जरा लोगों को बताइए। देखिए डबल चेन क्या होता है, क्या है कि पहले डबल चेन में बनता नहीं था गाड़ी, तो प्रॉब्लम आता था। प्रॉब्लम क्या आता था कि डबल चेन में नहीं होता था, तो सिंगल चेन में क्या होता था कि चैन बबलिंग करके गिरता था और उतर जाता था, तो कस्टमर को दिक्कत होता था, परेशानी होती थी। तो हम लोग उसका निदान क्या निकाले कि इसको दो भाग में अलग अलग करके कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जुगाड़ के अनुसार उसको हम कर देते हैं। उस डबल चेन में भी जुगाड़ है? जुगाड़ है, हाँ जुगाड़ है। जुगाड़ लेथ पे बनाया जाता है, हमारे वर्कशॉप में, वर्कशॉप पीछे है, उसमें बनाया जाता है और उसको बना उना कर लेथ से हम लोग यहाँ पर ला कर सेट करते हैं। तो ये सब हमारे पास होता है, इसी के कारण हम लोग का गाड़ी ज़्यादा सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल है। एक सवाल मेरे मन में और आ रहा था कि 40,000 में आपने कहा कि इसको तैयार करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन बाइक जो है वो कस्टमर का होगा, लेकिन अगर बाइक अगर आपको देना होगा तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा ले के पूरा कुछ? देखिए बाइक अगर कस्टमर के पास अगर ना हो तो हम लोग बाइक तो देते नहीं हैं, मगर अगर ऐसा है कि कस्टमर के पास नहीं है तो हम लोग मार्केट से पता कर प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर बाय द वे मोटरसाइकिल 10,000 का मिला तो 10,000 उसको देना हो कस्टमर को, अगर 20,000 का हो जाएगा, 50,000 का हो गया। अगर मोटरसाइकिल 20,000 का है तो 60,000 हो गया, जो अगर बेचने वाला जो कीमत जो हुआ वो कस्टमर को देना होता है। गोलू जी अभी तक अगर मैं बात करूँ मंथ के बारे में, एक महीने में तो कितना गाड़ी आपके पास से जुगाड़ गाड़ी जो है वो निकल जाता है? जुगाड़ गाड़ी का जहाँ तक बात हुआ कि किसी मंथ में 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, किसी मंथ में 20 गाड़ी, ऐसे करके जो कस्टमर आते हैं उस अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। अगर 10 गाड़ी का ऑर्डर आया महीना में तो 10 गाड़ी भी बनाते हैं, अगर किसी मंथ में 15 आ गया तो 15 भी बना के देते हैं, 20 गाड़ी भी आता तो मतलब, तो जितना भी आता है हम लौटाते नहीं है, हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि हम उसको कंप्लीट करके देते हैं। एक गाड़ी को बनने में कितना समय लग जाता है लगभग? अगर चाहें तो बनाने के लिए 2 से 3 दिन में वैसे फाइनल कर देंगे। 3 दिन में फाइनल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, मगर बात रहा क्या चाहिए कि हमारे पास ये काम होता नहीं है। अब पेंट जब तैयार होता है तो सिर्फ पेंट हो रहा है, मतलब कि अब पेंट के लिए भी गाड़ी 2 दिन 3 दिन खड़ा हो जाता है। कारण क्या है कि अब एक बार में अगर पेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जॉब है तो कम समय में पेंट हो जाता है, तो इसलिए अगर गाड़ी बन रहा है, बिल्डिंग का काम हो रहा है तो ओनली फॉर खाली गाड़ी बन रहा है, यानी 5 गाड़ी बन गया है बिल्डिंग का, तो 5 गाड़ी बन गया, उसका पेंट का काम हो रहा है तो सिर्फ ओनली फॉर पेंट का काम हो रहा है 5 गाड़ी में।
फिर सीट उठ का काम हो रहा है, लाइटिंग का काम हो रहा है, सिर्फ लाइटिंग का काम होता है। ऐसे करके अगर पांचों गाड़ी में मिलाया जाए तो हम 10 दिन में गाड़ी पांच को कंप्लीट कर दें, 10 दिन में 5 गाड़ी रेडी हो जाती है, रेडी हो जाता है। मगर अगर ओनली फॉर एक गाड़ी में लगे, उसको चक्का कसें, चैन कसें, पेंट करें, सीट का काम करें, लाइटिंग का काम करें, तो उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इस वीडियो को देखने वाले बिहार से तो होंगे ही, बिहार के और भी अलग राज्यों से भी होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश से कोई देख रहा होगा, महाराष्ट्र से कोई देख रहा होगा, कोई कहीं से देख रहा होगा। अगर उनको आपके पास से जुगाड़ गाड़ी चाहिए तो क्या आप उनको अवेलेबल कराते हैं, आपके पास से ट्रांसपोर्टेशन होती है? हम ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टिंग करवाते हैं, और जो ट्रांसपोर्टिंग का जो खर्च होता है वो कस्टमर को देना होता है, क्योंकि हम बनाने का जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली होता है, फूड कार्ट होता है, स्टॉल होता है, तो बहुत तरह के काम करते हैं। जो भी अगर बनवाते हैं हमसे तो हम अपना चार्ज लेते हैं जनरली। अगर कोई लिए झारखंड के लिए या रांची या धनबाद के लिए, जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च आता है वो कस्टमर को देना पड़ता है। मतलब कहीं से भी पूरे भारत में अगर कहीं से भी किसी को अगर ज़रूरत है जुगाड़ गाड़ी की या फिर कार्ट की या फिर कोई मतलब कार्ट हो गया फूड स्टॉल की, तो यहाँ से आप आराम से मंगा सकते हैं। जो भी इनकी डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। उसके पहले बहुत सारी जानकारियाँ भी और भी लेनी बाकी है। वीडियो अगर लंबा हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जो रास्ते पर चलते हुए आप ये जुगाड़ गाड़ी देखते हैं वो कैसे बनती है, किस कैसे कैसे पार्ट इसके अलग अलग तरीके से जोड़े जाते हैं। तो बाइक तो है यहाँ पर और साथ में ये रहा ट्रॉली, लेकिन आखिर ये अलग अलग कैसे दिखता है, कैसे जुड़ता है? मुझे वहाँ पे एक आधा जो बाइक है वो दिखाई दे रहा है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जिस बाइक को आप वहाँ पे अटैच देख रहे हैं जुगाड़ गाड़ी के साथ में, ये जो हाफ बाइक है इसी का इस्तेमाल करके और इस ट्रॉली का इस्तेमाल करके, जिसके में अभी चक्का भी नहीं लगाया गया है और ना ही इसकी फिनिशिंग की गई है, लेकिन एक आकार दिया गया है जो ट्रॉली है, इसी गाड़ी में इस ट्रॉली को अटैच किया जाएगा और फिर तब जाके ये जुगाड़ गाड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी और फिर रोड पे चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और जो कि जिस पर आप सामान ढो सकते हैं, बोझा ढो सकते हैं, सब्जियां ढो सकते हैं, या फिर जो भी काम में अगर आप लाना चाहते हैं वो आप ला सकते हैं। अगर सड़क जो है वो नैरो है, पतली है, फिर भी आपका जो गाड़ी है वो वहाँ पर काम करेगा, वर्क करेगा, आराम से आप इसको लेकर जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो मैंने जुगाड़ गाड़ी आपको दिखा दी, लेकिन इसके साथ साथ इधर आप देखेंगे तो फूड कार्ट तैयार किया गया है, जो कि आगे में ये कौन सा बाइक है, राजदूत है, राजदूत के साथ इसको अटैच किया गया है। तो ये एक फूड कार्ट हो गया, उस तरफ आप देखेंगे तो एक नॉर्मल कार्ट है जिसको आप मतलब मैनुअल तरीके से चलाएंगे, इसमें कोई बाइक नहीं एडेड है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस जुगाड़ गाड़ी ही बनाई जाती है, अगर आपको किसी तरीके का रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल गाड़ी यहाँ पे तैयार हो जाए तो बिल्कुल आप डिज़ाइन दिखाएंगे और यहाँ के जो मतलब सुपर डुपर हिट जो इंजीनियर हैं, जो इंजीनियरिंग तो किए नहीं है, एक शॉप से शुरुआत की थी उन्होंने और बड़ा अच्छा एक जुगाड़ लगाया और इतना अच्छा कुछ बना रहे हैं जो पूरा भारत डिमांड आ रहा है इनके पास में। मजबूती के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि जो आप जुगाड़ गाड़ी बनाते हैं उसका मजबूती कितना होता है, क्या बताइएगा इसके बारे में? मजबूती इसका तो लाजवाब है। मजबूती के बारे में तो समझिए कि आप देखिएगा तो सर्टिफाइड हो जाइएगा। कारण क्या है कि देखिए, जनरली से अभी गाड़ी चल रहा है, ई रिक्शा या कुछ ऐसा करके गाड़ी चल रहा है, उसका चेसिस हम लोग देखते हैं तो उसका चेसिस बहुत पतला होता है, लंबाई कम होता है, चौड़ाई कम होता है। मगर चेसिस की बात करते हैं, यहाँ देखिए तो चेसिस इसका क्या होता है, 1.5 इंची चौड़ा और 3 इंची मोटा। इसका सेक्शन वेट 25-26 किलो आता है, 25-26 केजी आता है, केजी आता है। इसका अगर थिकनेस की बात करते हैं तो 18 केजी में होता है। तो कभी जिंदगी में कभी ना टूटने वाला है, समझिए कि ऐसे चेसिस हम बनाते हैं, जिंदगी में कभी ना टूटने वाला जी। तो ऐसा होता है। और अगर और सब गाड़ी में देखते हैं कि 2 लाख 2.5 लाख का कंपनी बना रही है तो उसमें देखिए क्या चीज़ कि बहुत पतला, हाँ। 2x1 का चेसिस, दम नहीं रहता है उसमें, दम नहीं रहता है। मगर कॉस्ट देखिए 2 लाख 2.5 लाख जाता है, क्योंकि शोरूम में उसको लगाया जाता है, शोरूम है। हम सब ऐसा छोटा तो कोई है नहीं ब्रांच, सब बड़ा ब्रांच है, हाँ। बड़े ब्रांच का बड़े बात होता है। मगर हम लोगों का ताकत और अच्छी का बात समझिए तो इतना पुष्ट होता है अंदर से कि समझिए कि बहुत दिक्कत कभी नहीं होता है, बहुत बढ़िया चलता है और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ऐसा हमेशा दिक्कत नहीं है। अगर कभी गाड़ी है तो कभी 150 का खर्च अगर गाड़ी मेंटेनेंस के लिए मांगा तो आम बात है, अगर 1000 रुपया आप कमा रहे हैं तो क्या 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं? एकदम करना है। शरीर से अगर 500 कमाते हैं तो 100 रुपया के लिए लस्सी वगैरह जूस पी लेते हैं, आप गाड़ी में नहीं कर सकते हैं, एकदम करना होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो बाइक में जिस तरीके से हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं,
क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा लगता है या फिर उसी में ये जो है वो मैनेज हो जाता है? नहीं, उसमें खर्च के बारे में अगर मैं पूछूं कि जुगाड़ गाड़ी में जो पेट्रोल का खर्च है वो क्या कैसे आता है? खर्च तो थोड़ा इसमें बढ़ता है, क्योंकि जनरली इसमें होता है कि अगर 50 के माइलेज मोटरसाइकिल जो देता है, इसमें क्या है कि 50 के माइलेज जो देता है वो 45 देता है, 5 कम हो जाएगा लोड के कारण, लोड के कारण कम हो जाता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता है कि अगर 100 रुपया में आपको 50 किलोमीटर चल रहा है और कमा रहे हैं, अगर इससे बाय द 1000 रुपया का भाड़ा कमा रहे हैं तो 900 रुपया का तेल लगा तो 5 किलोमीटर कम चला तो क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसी ना किसी काम के लिए ही लोग इसको खरीद के भी ले जाएंगे। हाँ हाँ, कोई भी अगर उस आदमी है तो जिसका कोई काम रहता है वही लेके जाएगा, ऐसे तो जनरली कोई लेके जाएगा जाकर रखेगा नहीं। एक और सवाल, आपके पास तो बहुत सारे जुगाड़ गाड़ी आपने बनाए हैं, बहुत तरीके के आपने बनाए, बेस्ट अगर मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट अगर किसी को जानना हो कि कितने खर्च में वो कौन सा गाड़ी ले तो आप क्या बताइएगा? देखिए, अगर सबसे बेस्ट अगर ज़्यादा चलने वाला गाड़ी है तो ये गाड़ी होता है 4 फीट चौड़ा 5 फीट लंबा, जनरली बहुत ज़्यादा ही चल, 4 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा जनरली सबसे ज़्यादा बिकने वाला गाड़ी ये होता है। अच्छा। जो कि 4 फीट अगर चौड़ा है तो 5 फीट का गली अगर जनरली होता है, कहीं गांव मोहल्ला में भी होता है तो इसमें आराम से इजीली घुस जाता है, कितना भी पतला हो अटकेगा नहीं है, अटकेगा नहीं। अगर कोई कोई आदमी उससे भी कम में चाहता है कि हमारा जगह और भी छोटा है तो आप 3.5 फीट चौड़ा में ले सकते हैं गाड़ी हमसे, और इससे भी कम अगर चाहिए कि और कम हमारे पास जगह है तो उसके बाद 3 फीट में आइए, 3 फीट में लीजिए, सारा जुगाड़ है यहाँ पे, सारा जुगाड़। मतलब कि जो भी आप दिमाग में अगर कुछ सोच के अगर आए हैं हमारे कारखाना में तो आपके प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व है। मतलब आपका जो सोच है वो अटकेगा नहीं कहीं भी, अगर आपके पास जैसी परेशानी है वैसा यहाँ पे कार्ड तैयार करके आपको दे दिया जाएगा, वैसा जुगाड़ गाड़ी आपको तैयार करके दे दिया जाएगा। गली के बारे में परेशानी कि गली छोटी है उसके हिसाब से देखते जा रहे, सबसे बड़ा वो आपको दिखाई दिया, 5 फीट उसकी लंबाई थी, फिर उससे जो छोटा था वो ये रहा मेरे पीछे में, और फिर इससे भी पतला अगर बात करें तो ये रहा। तो जिस जैसा आपका गली, जैसा हिसाब, मतलब जिस काम के लिए आप ले जाना चाहते हो उस काम के हिसाब से यहाँ पर जो जुगाड़ गाड़ी है वो बन जाएगी। अंत में आपकी तरफ से क्या ऐसे लोगों को संदेश होगा, क्यों आपके पास आना चाहिए, क्यों आप ही के पास उनको जो है वो बेहतरीन आपको क्वालिटी मिलेगा जो जुगाड़ गाड़ी है इसका, क्या लोगों को कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? आपके व्यूअर को हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि और कहीं अगर जाते हैं बनवाने के लिए तो क्या होता है कि उनके पास जो बनता है वो आपको लेना होगा, मगर हमारे पास अगर आप आते हैं तो आप जो ऐसा चाह रहे हैं दिमाग में अगर आप सेटअप है कि हमें ऐसा चाहिए तो हमें वैसा बना के आपको देंगे, और नहीं तो दूसरा जगह जाइए तो भाई जो हमारे यहाँ बनता है वो लीजिएगा तो लीजिएगा, नहीं तो भाई दूसरा के यहाँ। मतलब एक बार एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए किस जगह पर है ये। जैसे कि अगर हमारे यहाँ आना अगर हो तो आप बिहार, हमारा थी है राज्य और बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में फतुआ स्टेशन के बगल में हमारा कारखाना है, आप निसंकोच आइए यहाँ पर, आपका स्वागत है। चलिए, अंत करने से पहले मैं एक थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि ये जो आप बाइक देखे, आप जुगाड़ गाड़ी देखे, आपको पता है कि ये जो बाइक है वो आगे की तरफ ही मूव करती है। अब मान लीजिए कि इसके ट्रॉली में बहुत कुछ हेवी रखा होगा, क्विंटल का क्विंटल सामान रखा होगा और थोड़ा भी पीछे जाना होगा तो आप कैसे ले जाएंगे? तो इस जुगाड़ गाड़ी का जो ये कारखाना है यहाँ पर, इसका भी एक सॉल्यूशन है। जी हाँ, हम एक ऐसे जुगाड़ गाड़ी को आप तक आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जिसमें बैक गियर भी काम करता है और आपका गाड़ी पीछे की तरफ भी जा सकता है। तब तक के लिए अगले वीडियो में उस जुगाड़ गाड़ी के बारे में हम पूरा डिटेल बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।